मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली स्टेम सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने दो स्टेम ले ली है ये ब्रोकली की, और इसको सबसे पहले हमें छील लेना है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा हटा देंगे हम। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। बहुत ही हेल्दी सूप बनता है ब्रोकली। जो लोग खाना पसंद करते हैं उन्हें जरूर पसंद आएगा ये। ये देखिए, और इसी तरह से मैं दूसरा भी अच्छे से छील लूंगी। ये मैंने छील लिए हैं दोनों, और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और इसको पानी में अच्छे से डिप कर दिया है। अच्छे से धोकर इसे निकाल लूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रोकली स्टेम को अच्छे से वॉश करके निकाल लिया है पानी में से। और यहाँ पे मैं ले हूँ एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 4-5 कलिया लहसुन की बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, यहाँ पे चाहिए हमें नमक, 1 चम्मच चाहिए हमें बटर, और 1/2 चम्मच मैं लिया रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध, और हमें चाहिए 1 चम्मच अमूल क्रीम। आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ सबसे पहले। थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम। अब हम कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, ताकि ये जो बटर है ये जले नहीं। तो थोड़ा मेल्ट होने देंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, प्याज डालकर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। पूरा हमें इसको बिल्कुल जलाना नहीं है प्याज को, तो हल्की ब्राउन सी कलर की होने लग जाए तब इसको हम लहसुन भी ऐड करेंगे तभी इसमें। तो पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं हम। हल्का हल्का प्याज हमारा भून चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन। इसको भी थोड़ा सा तकरीबन 1/2 मिनट हम भून लेंगे इसके साथ। इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। अब हम इसमें डालेंगे ये ब्रोकली स्टेम, इसे मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। आपके पास वेजिटेबल स्टॉक हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें पानी यूज कर रही हूँ। अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे। तो मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं इसमें। तो तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 4 मिनट हो गए, तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। अच्छे से बॉईल आ गया इसमें, काफी अच्छी तरह बॉईल हो गया। तो अब इसे निकाल लेंगे हम, इसको छान लेंगे। और ये जो पानी बचा है, जो स्टॉक है ये हमारा, इसको फेंकेंगे नहीं हम, इसको यूज करेंगे। और इस को हम ठंडा कर लेंगे अच्छे से, और ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया है। और अब सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे स्टॉक। और इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉईल आने देंगे इसमें। और थोड़ा सा जिसमें मैंने ये पीसा है ग्राइंडर में, उसमें मैंने हल्का सा पानी डाल लिया, ताकि जितना लगा रह गया ये पेस्ट वो भी हम निकाल सके। तो तकरीबन 1/2 कप पानी है इसमें, तो मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। तो ढककर रख देंगे हम 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें बॉईल आ जाए।
तो फ्रेंड्स तकरीबन एक मिनट हो गया, ये देखिए बॉईल आ गया है। अच्छे से चला दूंगी मैं इसे और इसमें ऐड करूंगी दूध। दूध मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे, बॉईल होने देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर रखा है, तो हाई फ्लेम पर ही अब इसे पकने देंगे हम। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसे पकाएंगे। तकरीबन 1.5 मिनट हो गए पकते हुए, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, क्योंकि अभी नमक नहीं डाला है हमने इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम रह गया है सिर्फ हमारी क्रीम, तो हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम मैंने बहुत कम ली है, 1 चम्मच ली है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, तो मैंने गैस बंद कर दिया। अच्छे से मिक्स करूंगी तकरीबन आधा मिनट से ऐसे। तो फ्रेंड्स सूप एकदम रेडी है, अब मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लूंगी बोल में। तो फ्रेंड्स ब्रोकली स्टेम सूप एकदम रेडी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।